हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवेंद्र कहार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि ट्वेल्थ क्लास की सीबीएसई बुक फ्लेमिंगो से लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस पूरे चैप्टर को हिंदी में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, एक ऐसा बचपन जो कि कहीं खो गया है। अबाउट द ऑथर, सबसे पहले हम ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। एनिस जंग 1964 वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन हैदराबाद। तो देखिए, एनिस जंग जो है, इन्होंने अपना क्या है कि इनका जो जन्म हुआ है वो राउरकेला में हुआ है और अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस जो है उन्होंने हैदराबाद में स्पेंड किया है। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देखिए, यहाँ पर जो उन्होंने एजुकेशन की है वो हैदराबाद में और यूएसए में की है। अब आगे देखिए क्या बताया गया है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, जो उनके जो पेरेंट्स थे वो दोनों राइटर्स थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। तो देखिए, यहाँ पर जो उन्होंने अपना करियर शुरू करा, एज अ राइटर शुरू करा इंडिया के अंदर। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड एब्रॉड। तो देखिए, यहाँ पर वो एडिटर रही और कॉलमनिस्ट मतलब कॉलम लिखने का काम किया करती थी न्यूज़पेपर के लिए इंडिया में और एब्रॉड में, मतलब विदेश में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स भी लिखी है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टोरी है वो उनके जो बुक है उसमें से एक छोटा सा एक हिस्सा है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, है ना, जिसका मतलब टाइटल है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हेयर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर वो एनालाइज करती है जो एक पॉवर्टी है और एक जो ट्रेडिशन है जिसने क्या किया है कि मतलब कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनकी पूरी लाइफ का मतलब शोषण किया है, इस बारे में वो उस चीज़ों को एनालाइज करती है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो स्टोरी है उसके दो पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, और इसी का सेकंड पार्ट हम इसके नीचे हम देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि कभी कभी मुझे रुपया जो है गार्बेज में मिल जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। वाई डू यू डू दिस आई आस्क साहेब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नाइबरहुड। तो देखिए, यहाँ पर जो लेखिका है वो पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, किससे पूछती है, साहेब से, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। तो लेखिका उससे पूछती है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, मतलब कि स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, मतलब कि जो गार्बेज है वो उठाने का काम क्यों करते हो। देखिए, यहाँ पर जो गोल्ड है उसका मतलब है कि कोई मतलब प्रीसियस थिंग या कोई इंपॉर्टेंट थिंग जो उसके लिविंग के लिए काम है, उस चीज़ को ढूंढने की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर जो साहेब है वो रैक पिकिंग का काम करता है, मतलब कचरा उठाने का काम करता है। डम्प्स ऑफ माय नेबरहुड्स, मतलब कि एक कचरा का ढेर है जो कि लेखिका के पड़ोस में है, तो वहाँ से वो मतलब कचरा उठाता है। तो इस वजह से वो उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया जो साहिब, उसने अपना जो घर है बहुत समय पहले ही छोड़ दिया है। सेट एमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि कहाँ पर था, ढाका के अंदर था, है ना, ग्रीन फील्ड के अंदर ढाका में था, मतलब ढाका आप जानते हैं बांग्लादेश की जो कैपिटल है। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और उसके जो घर के दूर दूर तक कोई यादें नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। तो देखिए, यहाँ पर बोला गया कि जिस जगह पर वो रहा करता था वहाँ पर कहीं ज़्यादा स्टॉर्म्स मतलब आंधी वगैरह आया करती थी, जिसकी वजह से जो उसकी फील्ड है ना, उसको मतलब वो वहाँ से उखाड़ करके लेकर के जाती और सारी चीज़ों को वो उसकी फील्ड और होम्स को वहाँ पर तबाह कर देती, ऐसा उसकी माँ उसको बताती है। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, इस वजह से वो उस जगह को छोड़ देते हैं। लुकिंग फॉर द गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। तो देखिए, यहाँ पर जो गोल्ड की बात की गई है, मतलब लिविंग की बात की गई है, कि अपनी लिविंग को खोजने के लिए वो मतलब बिग सिटी में आकर के रहने लग जाते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. और दूर देखते हुए बोलता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ कुछ भी नहीं है, इस तरीके से वो बोलता है और दूर देखता वो ऐसा बोलता है। Go to school, I say glibly. और जो लेखिका होती है वो बोलती है क्यों ना तुम स्कूल चले जाओ, इस तरीके से बोलती है। Realizing immediately how hollow the advice must sound. और अचानक से उसको रियलाइज़ होता है कि जो एडवाइस उसने उस लड़के को दी वो किस तरीके से मतलब होलो, एक खोखली एडवाइस है, मतलब कि एक रैक पिकिंग करने वाला जो बच्चा है, मतलब कि कचरा उठाने वाला, वो किस स्कूल जा सकता है। तो इस तरीके से वो सोचती है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो जो साहेब होता है वो बोलता है कि मेरे जो पड़ोस हैं वहाँ पर एक भी स्कूल नहीं है, जब भी वो बिल्ड होगा मैं उस स्कूल में जाऊँगा, इस तरीके से वो बोलता है। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जॉकिंग। तो देखिए, यहाँ पर जो लेखिका होती है वो पूछती है कि अगर मैं स्कूल को स्टार्ट करूँगी तो क्या तुम आओगे,
यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, और वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं आऊँगा, इस तरीके से बोलता है। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, और इस तरीके से वो मतलब थोड़े दिन बाद देखती कि वो जो लड़का है मतलब जो साहिब है उसके पास में आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, और जो लेखिका होती है वो बोलती है कि जो स्कूल है उसको बनने में थोड़ा सा समय लगता है। इम्बरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रोमिस दैट वॉज नॉट मीन्ड, और जो लेखिका होती है उसको थोड़ा सा मतलब कि एम्बरेस्ड फील हो रहा होता है क्योंकि उसने जो प्रोमिस किया है जिसका कोई भी मतलब नहीं है। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिस ब्लैक वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह के जो प्रोमिसेस है वो बहुत सारे हैं जो कि उससे किए जाते हैं उसके ब्लैक वर्ल्ड में, मतलब अंधकार वाले जो वर्ल्ड है ना, जिसके अंदर मतलब उसको बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। ऐसा वो सोचती है साहिब के बारे में कि ऐसे प्रोमिसेस और किसी ने भी उससे किए होंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, मतलब कि कुछ समय उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, और उससे वो उसका नाम पूछती है। साहिब आलम ही अनाउंसेस, तो वो बोलता है कि साहिब आलम मेरा नाम, इस तरीके से बोलता है। He does not know what it means, और वो इसका मतलब नहीं जानता, मतलब जो साहिब आलम है इसका मतलब वो नहीं जानता है। If he knew its meaning, Lord of Universe, he would have a hard time believing it. तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अगर वो इसके नाम का मतलब जानता होता तो जैसे कि उसके नाम का मतलब है Lord of Universe, मतलब कि जो यूनिवर्स है उसका भगवान या लॉर्ड, तो उसको थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को बिलीव करने में समय लगता। अनअवेयर ऑफ वॉट हिज नेम रिप्रेजेंट, मतलब कि वो अनअवेयर है इस चीज़ से कि उसका जो नाम है वो किस तरीके से मतलब किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, और वो क्या करता है कि अपने दोस्तों के साथ में स्ट्रीट पर मतलब सड़कों पर घूमता है। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़ हु अपेयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपेयर एट नून, तो देखिए ये जो पूरी आर्मी है मतलब एक पूरा ग्रुप है बेयर फुट मतलब नंगे पांव रहने वाले लड़कों का, जो कि क्या है कि एक मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं और डिसअपेयर हो जाते हैं नून तक, मतलब दिन तक वो चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम, और कुछ मंथ बाद वो मतलब सबको जानने लग जाती है जो लेखिका होती है वो। वाई आरंट यू वियर चप्पल्स आई आस्क वन, तो वो किसी एक से पूछती कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो, तो वो जवाब देता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी जो माँ है वो क्या करती है कि उसको सेल्फ से नीचे नहीं उतारती है। ही आंसर सिंपली, और इस तरीके से वो आंसर देता है। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, तो देखिए यहाँ पर क्या बोलता है एट्स अनदर, तो जो दूसरा लड़का है वो बोलता है कि अगर उसकी माता ऐसा करती भी कि सेल्फ से उसको चप्पल उतार करके भी देती है तो वो उसको दूर फेंक देगा। हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, तो जो लड़का जो एड्स अनदर मतलब जो दूसरा बोलता है उसने क्या कर रखा है कि जूते पहने हुए जो कि उसको मैच बिल्कुल नहीं कर। आई कॉमेंटेड ऑन इट, जब वो उस पर कॉमेंट करती है। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और देखिए यहाँ पर बोला गया कि वो अपने जो पाँव होते हैं उसको पटकता है और कुछ भी नहीं बोलता है। आई वॉन्ट शूज से अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, तो देखिए जो तीसरा लड़का होता है बोलता है कि आई वॉन्ट शूज, कि मुझे जूते चाहिए, जिसने क्या किया कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर अभी तक चप्पल या जूते मतलब खरीदे नहीं है, पहने नहीं है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका होती है वो बोलती है कि मैं जब मतलब कि अक्रॉस द कंट्री जब ट्रैवल करती हूँ तो मैंने देखा है कि जो सड़क है उसके ऊपर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बेयर फुट होते हैं, है ना, सिटीज़ के अंदर भी और विलेज के अंदर भी, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि उनके पास पैसे नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेडिशन होता है जिसमें वो बेयर फुट मतलब नंगे पांव रहते हैं, ऐसा एक आदमी उसे बताता है मतलब लेखिका को। आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका होती है उसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक तरीके से एक बहाना हो सकता है कि एक जो लगातार पॉवर्टी की स्टेट होती है उसको छुपाने का, इस तरीके से वो सोचा करती है, मतलब कि जो लेखिका है वो सोच रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम ओडीपी वंस टोल्ड मी, तो देखिए यहाँ पर ओडीपी में एक आदमी था जिसने मतलब लेखिका को एक बात बोली थी, तो वो स्टोरी उसको याद आती है, वो बात मतलब लेखिका को याद आती है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, तो देखिए यहाँ पर जो आदमी वो बोलता है कि जब वो यंग बॉय था तो वो क्या करता था कि एक जो टेम्पल था उसके पास में वो स्कूल जाया करता था, मतलब कि टेम्पल के पास में एक स्कूल होता था वहाँ पर वो जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ पर उसके पिताजी जो थे वो प्रिस्ट थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, तो वहाँ पर वो क्या करता था कि थोड़ी देर रुक करके ब्रीफली मतलब थोड़ी देर तक वो रुक करके वहाँ पर वो प्रेयर क्या करता था शूज़ के लिए। तो ये स्टोरी मतलब एक आदमी ने उसे लेखिका को बताई थी। 13 years later I visited his town and the temple, और 30 साल बाद जो लेखिका होती है उसके टाउन को विजिट करती है और टेम्पल को भी विजिट करती है। which was now drowned in an air of
इन एन एयर ऑफ डिजोलेशन। तो देखिए 30 साल बाद जब वो जाती है तो वो हवाएं बिल्कुल पूरी तरीके से वो चेंज हो चुकी होती है। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, मतलब जो बैक यार्ड होता है वहाँ पर क्या है कि नया प्रिस्ट रहने लग जाता है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर क्या होती है कि रेड एंड जो वाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स होती है। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और जो एक यंग बॉय होता है वो ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहने हुए होता है। वेयरिंग शॉक्स एंड शूज़, और उसने क्या शॉक्स और शूज़ पहने हुए होते हैं। अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और वो क्या करता है पेंटिंग मतलब होता है हाफते हुए वो आता है और अपना जो बैग होता है उसको क्या करता है कि मतलब वो उसको फेंक देता है फोल्डिंग बेड के ऊपर। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस when he had finally got a pair of shoes, let me never lose them। तो देखिए यहाँ पर जब वो उस बच्चे को देखती तो उसको वो प्रेयर याद आती है जो कि एक अनदर लड़का मतलब वो लड़का जो 30 साल पहले किया करता था कि जब भी उसको मतलब फाइनली जब उसको पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएंगे तो लेट मी नेवर लूज़ देम, कि मैं उसको कभी खोऊँ ना, ऐसा मतलब वो भगवान से क्या करता है माता जी से मतलब आशीर्वाद मांगता है उनका। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो शायद वो सोचती कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, तो एक यंग बॉय है जो कि एक प्रिस्ट के सन के जैसा लगता है, उसने अभी शूज़ पहने हुए हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नाइबरहुड रिमेन शूलेस, तो यहाँ पर जो लेखिका है वो बोलती है कि पर अगर मैं अपने नाइबरहुड की बात करूँ तो ऐसे बहुत सारे रैक पिकर्स हैं जो अभी भी शूलेस हैं, मतलब उनके पास जूते नहीं हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, तो देखिए यहाँ पर जो उसकी पहचान जो रैक पिकर्स जो होते हैं उनसे बन जाती है मतलब कचरा उठाने वाले से, उसकी वजह से वो कहाँ पर जाती है सीमापुरी जाती है। अ प्लेस ऑन द पेरेफेरी ऑफ दिल्ली, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये एक दिल्ली का उपनगर होता है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, और ये थोड़ा सा दूर होता है मतलब थोड़ा सा मिलो दूर होता है मेटाफोरिकली, तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हुए बोलती है, दोज हु लिव हेयर आर स्कूटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं ना दोज हु लिव हेयर, तो वो क्या है स्क्वेटर से मतलब कि अतिक्रमणकारी है, मतलब कि किसी भी जगह पर जाकर के अपना अतिक्रमण कर लेना या उस जगह पर रहने लग जाना बिना किसी लीगल परमिशन के, तो उसको स्क्वेटर्स बोला जाता है। तो ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं जो कि 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमोंग देम, और साहिब की जो फैमिली है वो भी उसमें से एक ही है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस इट स्टिल इज, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो सीमापुरी है वो एक वाइल्डरनेस है मतलब एक जंगली इलाका है और अभी भी वो वैसा ही है। बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर ये अब खाली नहीं है मतलब कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, इन स्ट्रक्चर ऑफ मट विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर लोग रहने लगे हैं जो कि एक स्ट्रक्चर्स ऑफ मड मतलब कि मिट्टी से बना हुआ जो घर है ना उसमें वो रहने लगे हैं, जिस पर क्या है कि टारपोलिन मतलब कि तिरपाल वगैरह बना हुआ है। डिवॉइड ऑफ स्वेज है ना ड्रेनेज और रनिंग वाटर, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कि मल रहित जो मतलब कि निकासी है वो है और ड्रेनेज मतलब कि निकलने का निकासी की जगह है और वहाँ पर बहता हुआ पानी है। लीव 10,000 रैक पिकर्स, तो यहाँ पर कम से कम 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पर वो कम से कम 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उनका जो उनके पास क्या है कि राशन कार्ड से इसकी वजह से उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आ चुका है, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि जो ग्रेन है उसको बाय कर सकते हैं या खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पर बोलती है कि जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सर्वाइवल के लिए एक आइडेंटिटी की अपेक्षा। अब देखिए आगे क्या होता है, If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम अपनी फैमिली को एट द एंड ऑफ द डे मतलब कि दिन के अंत से पहले अगर अपनी फैमिली इसको खिला देते हैं मतलब खाना वगैरह और बिना मतलब कि अपने बेड पर सोने के लिए चले जाते हैं बिना किसी परेशानी के, वी वुड रेदर लीव हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव्स अस नो ग्रेन, तो देखिए यहाँ पर वो बोलती है कि हम ऐसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जो हमें ग्रेन देती है, तो ऐसी जगह पर हम रहना पसंद करेंगे। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टेटर्ड सारीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका होती है वो पूछती है कि तुमने अपना जो ग्रीन फील्ड है ब्यूटीफुल जो ग्रीन लैंड की जो फील्ड होती है उसको तुमने क्यों छोड़ दिया, तो वो इस तरीके का जवाब देती है कि हम उस जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर हमें मतलब खाना पीना अच्छे से मिल सकता हो। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम देयर ट्रांजिट होम्स,
तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जहाँ कहीं भी उन्हें मतलब कि खाना मिलता है वहाँ पर वो अपने टेंट को पिच कर देते हैं, मतलब लगा देते हैं, जो कि उनका ट्रांजिट होम बन जाता है, मतलब कि टेम्परेरी होम्स बन जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो उसी में बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो उनके जीने मरने में उनका मतलब पार्टनर बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और यहाँ पर बोला गया कि सीमापुरी में अगर सर्वाइवल की बात की जाए तो इसका मतलब होता है रैक पिकिंग, मतलब कचरा उठाना। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और मतलब इतने समय के दौरान या इतने ईयर्स के दौरान वो एक फाइन आर्ट की तरह बन जाती है, मतलब कि एक रैक पिकिंग करना उनके लिए एक आर्ट की तरह हो जाता है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, मतलब गार्बेज उनके लिए गोल्ड की तरह होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये उनकी डेली ब्रेड होती है, उनके छत पर मतलब उनके सर पर एक छत की तरह होती है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो जो छत है वो चाहे मतलब लीक ही क्यों ना कर रही हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। बट देखिए यहाँ पर जो चाइल्ड होते हैं उनके लिए जो रैक पिकिंग होती है वो मतलब कि इससे भी कुछ ज़्यादा मायने रखती है, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया, मतलब कि यहाँ पर उनके लिए बोला गया कि गार्बेज जो होता है उनके लिए गोल्ड होता है, बट अगर चिल्ड्रन की बात करें तो ये गोल्ड से भी बढ़कर है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट्स साहिब सेस, तो जो साहिब होता है वो बोलता है कि कभी कभी मुझे जो मतलब जो गार्बेज होता है उसमें से पैसे भी मिल जाते हैं, 1 रुपया भी मिल जाता है, और कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं, तो इस तरीके से उनके लिए मतलब ये और ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। हीज आइज लाइटनिंग अप, तो ऐसा बोलते हुए जो उसकी आँखें होती है उसमें मतलब की चमक आ जाती है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कोइन इन अ हिप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका है वो बोलती है कि अगर तुम्हें एक सिल्वर कोइन हिप में से मिल जाए, गार्बेज में से मिल जाए, तो तुम वहाँ पर मतलब कि स्टॉप करना अपने आप को पसंद नहीं करोगे इस होप में कि तुम्हें और ज़्यादा सिल्वर कोइन मिल सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। अब देखिए आगे क्या होता है, इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा लगता है कि जो चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए मतलब कि गार्बेज का मतलब कुछ अलग है, और उनके जो माता पिता है उनके लिए इस गार्बेज का मतलब कुछ और है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, तो देखिए जो बच्चे उनके लिए एक वंडर की तरह है, एक आश्चर्य की तरह है। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन ऑफ सर्वाइवल, पर अगर बड़ों की बात की जाए तो यहां पर वो उनके जीने का या अस्तित्व का सहारा या अस्तित्व उनके लिए है, इस तरीके से यहां पर बोला गया है। तो यहां पर बच्चों के लिए इस गार्बेज का मतलब अलग है और पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब अलग है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नाइबरहुड क्लब, तो देखिए यहाँ पर बोलती है लेखिका कि मैंने एक जो विंटर की मॉर्निंग है एक दिन साहेब को देखा कि वो फेंस के पीछे मतलब गेट जो है वहाँ पर वो खड़ा हुआ है पड़ोस में। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, तो देखिए जो साहिब है वो क्या कर रहा है कि दो लोगों को वो देख रहा है ना टेनिस खेलते हुए, जिन्होंने ड्रेस पहनी हुई जो वाइट कलर की है। आई लाइक द गेम ही हम्स, तो यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, तो देखिए वो संतुष्ट होता है, कंटेंट का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना, तो वो संतुष्ट हो जाता है मतलब पीछे से उस गेम को देखते हुए उसके अंदर संतुष्टि होती है। आई गो, अब देखिए आगे क्या बोला गया है, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स, तो देखिए यहाँ पर वो बोलता है कि जब कोई भी नहीं होता है तो वो अंदर जाया करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर उसको झूला यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर शर्ट एंड शॉर्ट्स, तो जो साहिब उसने भी क्या कर रखा है कि टेनिस के जो शूज़ है वो पहने हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहे हैं, जो कि उसकी मतलब डिसकलर मतलब कि जो उसके जो शर्ट है और जो शॉर्ट्स है उसका कलर उड़ चुका है, इस वजह से वो थोड़े से उस पर स्ट्रेंज या अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी ही सेज, तो वो बोलता है कि किसी ने मुझे ये दिए थे। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, तो देखिए मतलब कि उसको एक्सप्लेन करते हुए इस तरीके से बोलता है कि किसी ने उसको ये दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसके मतलब कि अगर शूज़ के बारे में एक फैक्ट बताया जाए तो ये एक डिस्कार्डेड शूज़ है, मतलब कि किसी रिच बच्चे के पहने हुए या यूज़ किए हुए जो शूज़ हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ द होल इन वन ऑफ देम, तो देखिए यहाँ पर वो बच्चा वो क्या करता है, जो रिच बॉय है वो उसको पहनने से मना कर देता है क्योंकि इसके अंदर होल हो चुका होता है ना, एक जूते के अंदर होल हो चुका होता है। डज नॉट बॉदर हिम, तो ये जो जूते हैं वो साहिब को परेशान नहीं कर रहे होते हैं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड वेयर फूड इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि एक ऐसा इंसान जो वेयर फूड मतलब कि नंगे पाँव वॉक करता है उसके लिए ऐसे छेद वाले शूज़ मिल जाना भी ऐसा है कि एक सपना सच हो चुका है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच,
बट अगर जो गेम है उसके बारे में अगर बात की जाए तो उसकी रीच से बाहर है, मतलब कि वो जूते तो पहन सकता है मगर वो गेम नहीं खेल सकता है जो कि वो लोग खेल रहे हैं। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि दिस मॉर्निंग, मतलब उस मॉर्निंग वो जो लेखिका उसको देखती है तो जो साहिब होता है वो मिल्क बूथ की वे पर होता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कनिस्टर, और उसका जो हाथ है उसके अंदर एक स्टील कनिस्टर है, मतलब कि स्टील कनिस्टर को पकड़े हुए है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। तो देखिए वो बोलता है कि अब मैं क्या है कि टी स्टॉल पर वर्क करता हूँ जो कि सड़क के नीचे है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, और वो मतलब डिस्टेंस की तरफ मतलब दूरी पर पॉइंट करते हुए बोलता है आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और देखिए वो बोलता है कि अब उसे 800 रुपये दिए जाते हैं और दोनों टाइम का खाना उसे दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब आई आस्क। तो देखिए जो लेखिका है वो उससे पूछती कि जो ये जॉब वो कर रहा है क्या उसे ये पसंद है। हिज फेस आई सी, और जो लेखिका है उसका चेहरा देखती है, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उस पर से जो केयर फ्री लुक होता है वो कहीं पर खो गया होता है। द स्टील कनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो देखिए यहाँ पर जो स्टील कनिस्टर है वो उसको बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है उस बैग की अपेक्षा जो कि उसको कभी लाइट लगा करता था, जो कि वो अपने शोल्डर पर उठा करके घुमा करता था। द बैग वॉज हिज, और वो जो बैग था वो उसका खुद का हुआ करता था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो कनिस्टर है वो किसका है, जो टी शॉप का मालिक है उसका है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहिब है वो अपना खुद का मास्टर नहीं रह चुका है, मतलब कि वो कहीं पर किसी की गुलामी करता है, मतलब कहीं पर जॉब करता है। पहले वो बहुत फ्री हुआ करता था, जहाँ चाहता था वहाँ पर जाकर के अपना रैक पिकिंग कर लिया करता था, है ना, कचरा बिन लिया करता था, बट अब वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इस बारे में ये स्टोरी थी। तो देखिए अभी हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया, अब हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए सेकंड पार्ट जो उसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो देखिए यहाँ पर मुकेश जो है वो अपना ओन मास्टर बनना चाहता है, इट मीन्स कि वो अपना खुद का बिजनेस या खुद का कुछ काम वो करना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक ही अनाउंसेस, वो बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स आई आस्क। तो देखिए यहाँ पर बोला गया लेखिका उससे पूछती है क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, आई आस्क, ऐसा लेखिका उससे पूछती है। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा, ही आंसर्स, ऐसा वो बोलता है। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, सीधा मेरी आंखों में देख करके। हिज ड्रीम्स लूम लाइक मिराज एमिट्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फील हिज ओन फिरोजाबाद। तो देखिए यहाँ पर बोला गया जो उसका सपना है वो कैसा लग रहा है, बिल्कुल मिराज की तरह, मतलब मरीची का, जैसा कि आप जानते हैं रेगिस्तान के अंदर की कोई चीज़ हमें दिखती है पर वो वहाँ पर होती नहीं है, तो इस तरह का उसका ड्रीम है तो वो दिख रहा है, और फिरोजाबाद की स्ट्रीट की धूल में वो इस तरह के सपने को वो देखता है। फेमस फॉर इट्स बैंगल, तो देखिए यहाँ पर फिरोजाबाद जो है उसकी जो बैंगल वहाँ पर बनाया जाता है और उस वजह से फिरोजाबाद जो है फेमस, वहाँ पर चूड़ी बनाने का काम किया जाता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि हर अगली फैमिली जो है फिरोजाबाद के अंदर बैंगल बनाने में इंगेज रहती, मतलब बैंगल बनाने का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो देखिए ये क्या है कि इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंड जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेसेस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर जो फैमिली उन्होंने क्या अपनी पूरी जनरेशन को निकाल दिया है फर्नेस के आगे, भट्टी के आगे काम करते करते। वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो क्या करते हैं कि जो ग्लास होता है उसको वेल्डिंग करते हैं, मतलब कि जो कांच होता है उसको उसमें लगाते हैं चूड़ी के अंदर, और इस तरीके से वो बैंगल बनाते हैं फॉर ऑल द वुमेन्स। तो फॉर ऑल द वुमेन का मतलब है कि जितनी भी महिला, ऐसा लगता है कि मतलब सब जो दुनिया में जितनी भी महिला है उनके लिए बैंगल बनाने का काम यहीं पर ही किया जाता है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, और जो मुकेश है उसकी भी फैमिली उसमें से एक ही, मतलब वो भी बैंगल बनाने का काम करता है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विथ हाई टेम्परेचर्स। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उनमें से कोई भी इस बात को नहीं जानता है कि ये इलीगल काम है ना, अवैधानिक काम है, मतलब कानून के खिलाफ है ये, कि इस तरह के बच्चों का मतलब फर्नेस के आगे हाई टेम्परेचर के अंदर काम करना। इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। तो देखिए यहाँ पर मतलब डिंगी सेल्स का मतलब होता है कि ऐसा डार्क स्थान, मतलब कि जहाँ पर अंधेरा वगैरह हो, तो ऐसी जगह पर वहाँ पर लाइट वगैरह एयर वगैरह कुछ भी नहीं, उस जगह पर वो काम करते हैं। That the law if enforced, तो देखिए बोला गया कि अगर लॉ अगर वहाँ पर लगाया जाए या कानून वहाँ पर अगर लगाया जाए, है ना, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours.
तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अगर हम वहाँ पर कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उससे क्या होगा कि कुड गेट हिम एंड दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। तो इससे क्या होगा कि वो खुद मतलब मुकेश और जो 20,000 जो और चिल्ड्रन वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको इस चीज़ से फर्नेस मतलब उस भट्टी के सामने काम करने से छुटकारा मिल जाएगा, जहाँ पर वो क्या करते हैं स्लोग मतलब उनका हार्ड वर्क करते हैं मतलब पूरे दिन भर मेहनत करते रहते, तो इस चीज़ से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अक्सर वो क्या करते हैं कि अपने जो आँखों की ब्राइटनेस है मतलब जो रोशनी है उसको वो खो देते हैं। मुकेशस आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। तो देखिए यहाँ पर होता है कि जो मुकेश है उसकी आँखों में एक चमक होती है जब वो मुझे अपने घर की ओर लेकर के आता है। विच ही प्राउडली सेज इज बींग रीबिल्ड, तो उस चीज़ को मतलब बिल्कुल प्राउडली बोलता है कि उसका जो घर है उसको रीबिल्ड किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिकिंग लेंस चोक्ड विद गार्बेज, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो मतलब कि जो गलियाँ थी वो क्या थी बदबूदार थी और चौकड थी मतलब वहाँ पर गार्बेज वगैरह कचरा वगैरह वहाँ पर पड़ा हुआ था। पास्ट होम दैट रिमेंस होवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि घर उसके पास में हुआ करते थे जो कि क्या है अभी तक झोपड़ियाँ होवेल्स मतलब होता है कि झोपड़ी अभी तक है वो मतलब कि उनको पक्का मकान नहीं बनाया गया और क्रम्बलिंग वॉल मतलब कि उसमें दरार चल रही है। वोवली डोर्स नो विंडो crowded with families of human and animal coexisting in a primeval state। तो देखिए वहाँ पर क्या है कि एक लहराते हुए डोर है मतलब जो डोर से वो फिक्स नहीं है लहरा रहे हैं, वहाँ पर विंडो भी नहीं है और जो फैमिली है क्राउड है भीड़ वगैरह है उसमें क्या है कि एनिमल भी उनके साथ साथ में पल बढ़ रहे हैं प्राइमेवल एज मतलब स्टार्टिंग से। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो इसी तरह के एक घर के सामने वो रुकता है। बैंक्स अ वोवली आयरन डोर विथ हिज फुट, और वो क्या करता है बैंक्स मतलब कि उसको धक्का मारना है ना लात मारता अपने मतलब उस वोवली डोर पर जो कि लहरा रहा होता है। एंड पुश्ड इट ओपन, और उसको धक्का दे करके वो खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शेक, और वो क्या करते हैं कि हाफ बिल्ड शेक मतलब आधी बनी झोपड़ी के अंदर वो एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में डस्ट विथ डेड ग्रास, और ये क्या होता है कि इसका जो छपरा बना होता है वो डेड ग्रास मतलब सूखी हुई ग्रास से वो बना हुआ होता है। इज़ अ फायरवुड स्टॉप ओवर विच सीट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सीजलिंग स्पेनिश लीव्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक जो फायरवुड है मतलब कि लकड़ियाँ हैं पड़ी हुई है और वो क्या कर रही है कि एक चूल्हा है जिसके अंदर क्या है कि उस चूल्हे के ऊपर एक लार्ज वेसल पड़ा हुआ है मतलब बड़ा सा बर्तन है जिसमें स्पेनिश क्या हो रही है पक रही है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक ग्राउंड के अंदर एक लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर मतलब कि बड़ा सा थाली है एल्यूमिनियम की। आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसके अंदर क्या है कि और ज़्यादा कटी हुई वेजिटेबल्स है। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और जो वहाँ पर एक फ्रेल मतलब होता है कि कमज़ोर सी जो वुमेन है महिला है वो क्या कर रही है कि इवनिंग मील बना रही है अपनी पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, और उसकी आँखों में धुआं भरा हुआ है ना स्मोक मतलब धुआं, और वो हंसती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेशस एल्डर ब्रदर, और वो क्या है कि मुकेश का जो एल्डर ब्रदर है उसकी वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज अ बहू, और उसको एक बहू की तरह रिस्पेक्ट दी जाती है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, और वो क्या है कि उस घर की बहू है। Already in charge of three men, her husband Mukesh and their father. तो देखिए वो क्या है कि तीन लोगों को इंचार्ज मतलब तीन लोगों को वो संभालती है, उसका हस्बैंड है मुकेश है और उसके फादर है मतलब ससुर जी हैं उसके। When the older man enters, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जब ओल्डर मैन मतलब बूढ़े व्यक्ति जब वहाँ पर आते हैं। She gently withdraws behind the broken wall and bring her veil closer to her face. और वो क्या करती है कि धीरे से निकल करके आती है जब मतलब कि बड़े लोग घर में एंटर करते हैं है ना टूटी हुई दीवार से धीरे से निकल करके आती है और अपना जो क्या करती है bring her veil मतलब होता है उसका घूंघट, तो वो अपने फेस को उससे कवर कर लेती है। As custom demands, जैसा कि custom बोलता है, daughter in law must veil their face before male elders. तो देखिए यहाँ पर बोला है कि जो daughter in law मतलब जो बहू होती है उसको क्या करना होता है कि अपना veil मतलब घूंघट निकालना होता है मेल एल्डर्स के सामने। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बेंगल मेकर, तो यहाँ पर क्या है कि इस केस के अंदर क्या हो रखा है कि जो एल्डर है वो क्या है इम्पोवराइज्ड मतलब कि जिसने तरक्की नहीं की है ऐसा एक बेंगल मेकर है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर, तो यहाँ पर जो आदमी उसने क्या करा कि एक हार्ड वर्क किया बहुत लंबे समय तक, पहले वो टेलर था फिर उसके बाद वो बेंगल मेकर बना, उसके बाद भी वो अपनी तरक्की नहीं कर पाया है। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, वो अपने हाउस को रिनोवेट भी नहीं कर पाया मतलब कि उसकी मरम्मत कराना। सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, सर वो अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाता, या फिर हो सकता है कि स्कूल कभी भेजा हो तो उतना नहीं भेजा हो।
ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोस, और जो भी वो मैनेज कर पाया है उसने सिर्फ एक चीज़ सिखाई है, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, तो सिर्फ जो काम वो जानता था वही उसने उनको करना सिखाया है। इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर, तो जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वो बोलती कि यही इनका कर्म है, यही इनकी डेस्टिनी है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, तो देखिए ये उसकी जो ग्रैंड मदर है वो बोलती है जिसने अपने आदमी को क्या है कि ब्लाइंड होते हुए देखा है, गो ब्लाइंड है ना मतलब कि ब्लाइंड होते हुए देखा है, किसकी वजह से, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग मतलब कि जो वो पॉलिश करते टाइम जो डस्ट वगैरह हुआ करती थी तो उससे क्या हुआ, ग्लास की जो डस्ट होती थी उससे उसका जो हस्बैंड है वो ब्लाइंड हो चुका है, मतलब कि उसको अब सही से दिखता नहीं है। कैन अ गॉड गिवन लीनियज एवर बी ब्रोकन, शी एम्प्लाइज, तो इस तरीके से इशारा करते हुए बोलती कि भगवान का दिया हुआ जो काम है क्या उसको कभी तोड़ा जा सकता है, मतलब जिस मतलब कि भगवान ने जिस वंश में हमें उतारा है जिस काम के लिए उसको कभी बदला जा सकता है क्या, इस तरीके से वो बोलती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, तो देखिए जो बेंगल मेकर की कास्ट में जो उनका जन्म हुआ है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिवाय बेंगल के और कुछ नहीं देखा है। इन द हाउस इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस एवरी अदर यार्ड एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, तो मतलब जो घर है उसके अंदर वो बेंगल देखते हैं, यार्ड में बेंगल देखते हैं, हर अगले घर के अंदर बेंगल देखते हैं, हर अगले घर के यार्ड में मतलब आंगन में वो बेंगल देखते हैं, और फिरोज़ाबाद की हर स्ट्रीट पर सिर्फ बेंगल्स ही बेंगल्स वो देखते हैं। स्पायरल्स ऑफ बेंगल सनी गोल्ड पेडी ग्रीन रॉयल ब्लू पिंक पर्पल एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, तो देखिए यहाँ पर क्या करती है कि वो स्पायरल मतलब कि उसके जोड़े बनाते हैं ना, सनी गोल्ड कलर होता है, पेडी ग्रीन होता है, रॉयल ब्लू, इस तरीके से वो कलर होते हैं पिंक और पर्पल, जो कि क्या होता है कि सेवन कलर्स जो रेनबो के होते हैं उन्हीं में से वो निकले हुए होते हैं। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड, और क्या होता है कि माउंट्स मतलब होता है उनका ढेर लगना, अनकैम्प्ड यार्ड मतलब कि जो अस्त व्यस्त यार्ड होता है, आंगन होता है, वहाँ पर वो इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। आर पाइल्ड ऑन फोर व्हील्ड हैंड क्राफ्ट, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इनको क्या किया जाता है कि फोर व्हील्ड पर रखा जाता है, लादा जाता है। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ सेंटी टाउन, तो देखिए इसको क्या किया जाता है कि हैंड क्राफ्ट्स पर मतलब रखा जाता है, थैले पर रखा जाता है, और एक आदमी द्वारा उसको धक्का लगाया जाता है नैरो लेंसेज के अंदर, मतलब जो सुकड़ी सी गलियाँ होती है ना, सेंटी टाउन का मतलब होता है कि झुग्गी झोपड़े वाले जो टाउन है उसके अंदर से मतलब वो लेकर के जाते हैं बेचने के लिए। एंड इन द डार्क हटमेंट्स, तो देखिए यहाँ पर जो डार्क हटमेंट्स होता है नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसके पास में क्या है कि फ्लैम्प्स की लाइन है, मतलब जो ज्योति है, जो दिया वगैरह होता है, या जो चिमनी जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर उसकी लाइन से मतलब लाइनों से उसको जला रखा है। फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स मतलब कि विच इज़ नॉट स्टेबल, तो इस तरीके से वो ऑयल लैम्प्स हैं वहाँ पर। और देखिए आगे बोला गया है सीड बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उन लैम्प्स के सामने जो बच्चे हैं लड़का लड़की है वो अपने माता पिता के साथ में बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो क्या करते हैं कि जो मतलब ग्लास के पीसेज होते हैं मतलब कि जो कांच के टुकड़े होते हैं उसको क्या करते हैं कि वेल्डिंग करते हैं किसके अंदर, सर्कल्स ऑफ बैंगल मतलब जो चूड़े होते हैं उसके अंदर वो लगाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो उनकी आंखें होती है वो क्या होती है कि अंधेरे के अंदर ज़्यादा एडजस्टेड होती है लाइट की अपेक्षा, इस तरीके से बोला गया। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, तो इसी वजह से क्या होता है कि वो एडल्ट होने से पहले अपनी जो आई साइट होती है, देखने की जो शक्ति होती है, उसको ही वो क्या कर चुके होते हैं, खो चुके होते हैं या कम हो चुकी होती है। अब देखिए आगे बोला गया सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, तो देखिए यहाँ पर एक सविता है जो ड्रेप पिंक कलर की ड्रेस के अंदर है, मतलब कि ड्रेप मतलब होता है कि फीका जो कलर है, मतलब कि उसका कलर उड़ चुका है, इस तरह की ड्रेस में वो बैठी होती है। सीट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, और वो क्या है कि एक एल्डरली वुमेन है उसके पास में वो बैठी हुई है। शोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और वो जो मतलब जो ग्लास है उसको शोल्डर कर रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, तो उसके जो हाथ है वो किस तरीके से मैकेनिकली मूव कर रहे हैं ना, जैसे कि एक मशीन का चिमटा और टोंग्स ऑफ मशीन, तो इस तरीके से इतनी स्पीड से वो वर्क कर रही है। आई वॉन्डर, मतलब जो लेखिका उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है। इफ़ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स शी हेल्प्स मैक, तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि काश वो जो मतलब जो लड़की है वो उसकी सेंक्टिटी को जान पाती, पवित्रता को जान पाती, जिस बेंगल्स को बनाने में मदद कर रही है। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेंस ए स्वाग, तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ये जो चीज़ें हैं मतलब जो बेंगल है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है कि इंडियन वुमेन के स्वाग को। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और जो मैरिज के अंदर शुभ काम होता है उसके लिए। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद अ रेड वेल,
हर हैंड्स डाइड विथ रेड हिना एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि सडनली एक दिन क्या होगा कि उसके जो मतलब उसके सर पर क्या होगा कि रेड वेल होगा, घूंघट होगा, है ना, और उसके हाथों में क्या होगा कि जो रेड मतलब मेहंदी, उसके हाथ लाल होंगे किससे, मेहंदी से, और जो मतलब जो बैंगल्स है वो उसके रिस्ट में कलाई में पहनाई जाएगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और इस तरीके से वो दुल्हन बनेगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु हैज़ बिकम वन मेनी ईयर्स अगो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि जैसे कि वो पास में औरत बैठी हुई उसी तरीके से वो भी एक दिन मतलब ब्राइड या दुल्हन बनेगी, जो कि उसके पास में बैठी हुई महिला बहुत समय पहले, बहुत साल पहले ही बन चुकी है। अब देखिए आगे क्या होता है, सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि अभी भी उस जो महिला है उसके हाथों में अभी भी बैंगल्स है, बट नो लाइट इन हर आइज, पर उसकी आंखों में जरा सी भी चमक नहीं है, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन वॉइस ऑफ डेंड ऑफ जॉय। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि वो इस तरीके से बोलती कि एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खाया है, उसकी जो वॉइस होती है उसमें किसी तरह का एक्साइटमेंट या जॉय नहीं होता है, शी हैज़ नॉट इन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि उसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर एक समय का मील भी मतलब अच्छे से नहीं खाया अपनी पूरी लाइफ में। That's what she has wrapped. इस तरीके से मतलब उसने अपना जीवन काटा है। Her husband's an old man with a flowing beard says. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उसका जो हस्बैंड है उसकी मतलब बियर्ड, I know nothing except bangle. और वो बोलता है कि मैं बैंगल के अलावा कुछ नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in. तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पूरा मैंने मतलब पूरी लाइफ में जो किया वो क्या किया है कि सिर्फ घर बनाने का काम किया जिसमें मेरी फैमिली अच्छे से रह सके। हियरिंग हिम मतलब उसको सुन करके, वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैज़ फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई उनको सुनता है कि मतलब कि उन्होंने उस चीज़ को अचीव कर लिया जो कि बहुत सारे अचीव करने में फेल हो चुके हैं, ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, तो वो क्या चीज़ होती है कि उनके सर पर मतलब छत है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है कि वो अपनी लाइफ में अगर घर बना लेते तो ऐसा लगता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लिया है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो देखिए वो मनी के लिए मतलब रोते रहते, मतलब बार बार बोलते रहते कि उनके पास पैसा नहीं है कुछ और अलग करने के लिए सिवाय अपना बिजनेस चलाने के लिए, उनके पास पैसा होता है जो कि बैंगल्स का बिजनेस होता है, नॉट इवन इनफ टू ईट, और यहाँ पर उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो पेट भर के खाना खा सके, रिंग्स इन एवरी होम्स। तो इसी तरह की कहानी हर घर में होती है, द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, तो इस तरीके से जो मतलब कि जो एल्डर्स होते हैं उनकी इस तरह की परेशानी को वो सुनता है, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, तो थोड़ा थोड़ा करके वो समय को मतलब व्यतीत कर चुका है, इट सीम्स ऐसा लगता है, इन फिरोजाबाद कि फिरोजाबाद के अंदर इस तरीके से वो समय व्यतीत कर चुका है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल्स हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो देखिए यहाँ पर बोला है माइंड नंबिंग टॉयल मतलब कि ऐसा वर्क जो माइंड को थका देने वाला होता है उसने क्या किया है कि उनके इनिशिएटिव उनकी ड्रीम की जो एबिलिटी उसको ख़त्म कर दिया है। अब देखिए आगे बोला गया है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज यूर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द वीसियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर्स। तो देखिए यहाँ पर जो लेखिका है वो पूछती है उन आदमियों से जो कि वीसियस सर्कल के मिडिल मैन के सर्कल में वो फंस चुके हैं, मतलब दलालों के चक्कर में फंस चुके हैं, तो उनसे ये पूछती है कि क्यों तुम अपने आप को मतलब कोऑपरेटिव में ऑर्गेनाइज मतलब कि यूनियन के अंदर ऑर्गेनाइज नहीं करते हो। इस तरीके से वो पूछती है, किन आदमियों से पूछती है जो कि मिडिल मैन के चक्कर में फंस चुके हैं, वो खुद भी उस ट्रैप में फंस चुके हैं और उनके फादर और फोर फादर्स मतलब जो उनके दादा वगैरह ये हुआ करते थे वो भी इस चक्कर में फंसे हुए थे। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस, तो देखिए वो बोलता है कि अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो क्या होगा, वी आर द वंस हु विल बी हॉलेड अप बाय द पुलिस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ही वो लोग होंगे जिनको क्या है कि पुलिस के द्वारा हॉलेड अप मतलब होता पनिश किया जाएगा, बिटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल दिस से। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि हमें क्या किया जाएगा कि पुलिस के द्वारा पनिश किया जाएगा, उनके द्वारा मारा जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा, किस चीज़ के लिए कि समथिंग इलीगल मतलब कि कुछ अनैतिक कर रहे हैं, कुछ बिना परमिशन के, कानून की परमिशन के आप कर रहे हो, देर इज़ नो लीडर अमंग देम, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं होता है, No one who could help them see things differently, और कोई भी उनके बीच में ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सके कि वो चीज़ों को differently देखें, their fathers are as tired as they are, तो उनके जो पिताजी होते हैं वो भी इस तरीके से मतलब थके हुए होते हैं जिस तरीके से वो थक चुके होते हैं, they talk endlessly in a spiral, तो देखिए वो लगातार मतलब उस चीज़ को endlessly बोलते हैं, that moves from poverty to apathy to greed and
टू इनजस्टिस। तो देखिए उनकी जो बातें हैं वो कहाँ से शुरू होती है, पॉवर्टी से शुरू होती है, एपैथी पे मतलब फिर शोक करते हैं, लालच करते हैं और इनजस्टिस अन्याय की बात करते हैं। इस तरीके से वो एंडलेसली टॉक करते रहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो लेखिका जब उनको सुनती है तो दो डिस्टिंक्ट वर्ल्ड मतलब विशिष्ट वर्ल्ड दुनिया देखती है। वन ऑफ द फैमिली कोच इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी। तो देखिए वहाँ पर वो टू वर्ल्ड देखती कि एक तो वो फैमिली जो कि पॉवर्टी के जाल में फंसी हुई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न। तो एक मतलब उनके कास्ट में ऐसा है कि जो वंश जिस वंश में वो जन्म ले चुके हैं है ना, उसमें जन्म लेना इस तरीके उनमें मतलब कि उन पर बर्डन पड़ जाता है। अब देखिए आगे क्या बोला गया है, द अदर अ विशेष सर्कल ऑफ द साहूकार्स द मिडिल मैन द पुलिस मैन द कीपर्स ऑफ लॉ द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो दूसरा जो वर्ल्ड है वो देखती है कि विशेष सर्कल एक ऐसा दुष्टों का जाल है या सर्कल जिस मतलब जो साहूकार का है, मिडिल मैन का है, पुलिस मैन है और जो मतलब कि लोगों को रखने वाले हैं मतलब उसकी देखभाल करने वाले हैं और ब्यूरोक्रेट्स मतलब जो दफ्तरशाही है और जो पॉलिटिशियंस है उसके बीच में वो फंस चुके हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोस्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि उन सब ने मिल करके क्या कर दिया गया कि उनके ऊपर बैगेज जो है उनको क्या कर दिया गया कि इम्पोस्ड कर दिया गया है ना, जिसको क्या कर सकते हैं कि वो मतलब पुट डाउन मतलब वापस नीचे नहीं उतार सकते हैं। बिफोर ही इज़ अवेयर, जैसे वो अवेयर होते हैं, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। तो देखिए इस तरीके से वो क्या करते हैं, जब तक वो अवेयर होते हैं इस चीज़ को नेचुरली वो एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। टू डू एनी थिंग एल्स वुड बीन टू डेयर, कि कुछ अलग करना इसका मतलब है कि हिम्मत करना या किसी के सामने कुछ अलग करने की कोशिश करना। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो डेयरिंग होती है मतलब कुछ अलग करने का साहस करना, इसका मतलब होता है कि चैलेंज देना, तो वो उनके जीवन का पार्ट नहीं होता है। वेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चेयर्ड। तो देखिए यहाँ पर जो मतलब अलग करने की कुछ चाह जब मुकेश के अंदर लेखिका देखती है तो उसको बहुत खुशी होती है। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, और वो बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही रिपीट्स, वो बार बार ऐसा बोलता है, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, और वो क्या करेगा कि गैरेज के अंदर जाएगा और चीज़ों को सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो गैरेज है उसकी मतलब जो घर है उससे बहुत दूर है। आई विल वॉक, वो बोलता है कि मैं वॉक करूँगा। ही इंसिस्ट, और इस तरीके से जोर लगा करके उस बात को बार बार बोलता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, और जो लेखिका बोलती है क्या तुम्हारा प्लेन उड़ाने का भी कोई प्लान है ना, मतलब जो एरोप्लेन वगैरह होता है उसको उड़ाना भी तुम चाहते हो क्या, ऐसा कोई सपना तुम्हारा है क्या। ही इज़ सडनली साइलेंट, नो ही सेस, और देखिए यहाँ पर वो कहता है कि सडनली उस चीज़ के लिए साइलेंट हो जाता है और वो मना कर देता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और वो क्या करता है कि ग्राउंड को घूर घूर करके देखता है, ग्राउंड की तरफ उसकी नज़र होती है। इन द स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरेसमेंट, है ना। देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि स्मॉल मर्मर मतलब कि धीरे से जो बड़बड़ाहट करता है उसके अंदर एक एम्बेरेसमेंट मतलब कि एक शर्मिंदगी होती है। दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, जो कि अब तक क्या है कि पछतावे में नहीं बदलती है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार दैट ही शी इज़ हल्टिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कंटेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर संतुष्टि होती है सपनों को लेकर के, कि वो कहीं ना कहीं कार को मतलब चला रहा होगा, ऐसी कार जो मतलब सड़कों पर दौड़ रही होती है। स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन मतलब कि फिरोजाबाद के यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसके टाउन में ऐसी कार है वो देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और कुछ ही एरोप्लेन जो है वहाँ पर मतलब फिरोजाबाद के ऊपर से निकलते हैं। तो चलिए ये दो पार्ट थे, हमने इसको पूरा कवर किया। आई होप कि आपको ये पूरा जो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।